फिरोजाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, शोक व्यक्त किया। गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटरों में हुए हादसे में मृत छात्र छात्रा को दी श्रद्धांजलि का काफ़ी दुखद घटना है। फिरोजाबाद के सपा कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी पार्क स्थित विवेकानंद मूर्ति के सामने कैंडल जलाकर शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त की। सूरत में कोचिंग सेंटरों बीते दिन अग्निकांड में मृत छात्र छात्रा को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान सपा पार्षद तेजदीपक यादव, जगमोहन यादव और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। आज किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया है आप लोगों के द्वारा? समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जो गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी उसमें जो बच्चे खत्म हुए, तो बड़ी दुखद घटना है। उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह कैंडल मार्च निकाला है। आज महानगर फिरोजाबाद में समाजवादी छात्र सभा एवं नगर निगम पार्षद दल के नेता देशदीपक यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जो गुजरात में सूरत में जो बच्चों के साथ जो दुर्घटना हुई कोचिंग सेंटर में आग लगने से, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला। उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। साथ ही साथ हमने भगवान से प्रार्थना की कि इस दुखद घटना की घड़ी में उनके परिवार वालों को हिम्मत दे भगवान, ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार उस समय वहाँ है, अगर एक अच्छी नीति होती उनके पास, तो शायद जो बच्चे ऊपर फंसे हुए थे, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाली सरकार ये नहीं बना पाई कि एक फायर ब्रिगेड ऐसी बना देती जो उन बच्चों तक सीढ़ियाँ पहुँच जाती, तो आज उनको बिल्डिंग से कूदना ना पड़ता। जो बच्चे बच रहे थे वो गिरने की वजह से ख़त्म हुए, मगर सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती है। मगर हम लोगों ने आज सभी छात्रों, उन जो छात्र खत्म हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उनके परिवार को ये दुख सहन करने के भगवान से प्रार्थना की। समाजवादी पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ता उस दुख की घड़ी में उन सभी परिवार वालों के साथ हैं, और हमेशा कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ रहेंगे। जैसे कि सरकार ने मुआवजा दिया है, एक युवा बच्चा छात्र पढ़ता है वहाँ, 4-4 लाख रुपये का प्रसाद सा बांटा है, उससे बढ़िया ये है कि वो देश में ऐसी व्यवस्थाएँ करें कि जब आग लगे तो हम अंदर उन बच्चों को बचा सकते हैं।